वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम काम करने वाले हैं बेसिकली जोमेटो में, ठीक है। और आज है 30 तारीख। मैं तारीख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप जो है जोमेटो में काम नहीं कर रहे हो, उसका रीज़न क्या है, या आप जोमेटो आपने टोटली छोड़ दिया है। तो बेसिकली मैं तो फ़िलहाल जो है वीकेंड में काम कर रहा था, बट कल मुझे वो जो है वो एक कंपनी की तरफ से फ़ोन आया कि आप काम नहीं कर रहे हो, तो उसका रीज़न क्या है। तो मैंने बताया कि मुझे ऑर्डर वगैरह नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऑर्डर बहुत है। तो आज यही चीज़ों को जानने के लिए दोस्तों मैंने लॉगिन किया है जोमेटो में, और आज है 30 मार्च, और ये वीडियो हो सके तो मैं कल 31 मार्च के दिन अपलोड कर दूँगा। भी करके इसको मैं कल अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने गिग्स बुक किया है 4 8 घंटे का गिग्स है, ठीक है। कंपनी दे रही है 175 रुपीज़, उसमें मुझे 13 ऑर्डर मारना है। तो लॉगिन करके मुझे हो चुका है टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स हो चुके हैं, उसमें मैंने मारा है 1 ऑर्डर, और दूसरे ऑर्डर का अभी वेट करूंगा दोस्तों लोकेशन पे जाके। तो मैंने सोचा क्यों ना कंपनी को भी बताया जाए, या जिन्होंने मुझे फ़ोन की या जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था उनको भी ये पता चलना चाहिए कि मुझे ऑर्डर कितना मिल रहा है और रीज़न क्या है काम नहीं करने का, ठीक है। तो ये वीडियो को अपलोड करेंगे और देखेंगे आज कि 8 घंटे में मेरा कितना काम होता है। 12 से 6 का गिग्स बुक किया मैंने टोटल 3, और 8 से लेके 10, यानी पिक टाइम भी मैंने बुक किया है और उसमें कुछ नॉन पिक टाइम भी है, और 6 से 8 का गिग्स जो है वो मैंने स्किप कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आज देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को उतने गिग्स में कितना ऑर्डर मिल रहा है और अर्निंग कितना हो रहा है। बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि इस 8 घंटे में अर्निंग हो कितना रहा है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है 8 घंटे में 800 रुपये अर्निंग, प्लस मैं बोलता हूँ कि कंपनी का जो इंसेंटिव मिलेगा वो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 175, यानी 8 घंटे में मैं 900 to 1000 रुपीज़ के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन में, जबकि दिन जो शुरू हुआ है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे पूरा जो है वो टाइम लोकेशन पर ही रहे, लोकेशन से हटे नहीं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आते उस जगह जाए और उस जगह बैठ के हम ऑर्डर का इंतज़ार करें। तो देखेंगे हमारा अर्निंग होता कितना है, ताकि उनको भी पता चले कि हमको मिल कितना रहा है या ऑर्डर वगैरह हमको कितने दिए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को भी शुरू करते हैं और जाते हैं अपनी लोकेशन पे। तो ये अभी सेकेंड ऑर्डर बज रहा है मुझे, अप्रॉक्सीमेटली 1:03 हो रहे हैं दोस्तों, और दूसरा ऑर्डर जो है वो मुझे बज रहा है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ मैं। सेकेंड ऑर्डर बज रहा है, ये 4.5 किलोमीटर लेके जाना है और 66 रुपीज़ मुझे मिल रहा है इसका। तो ये सेकेंड ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेता हूँ पहले, और 50 रुपीज़ टिप वगैरह भी दिया है शायद कस्टमर ने, तो थैंक्स। अभी लोकेशन पे ही बैठे हुए हैं दोस्तों, तो रीच कर लेते हैं। और ये बैक टू बैक अभी मुझे सेल्फी मांग रहा है तीसरी बार, लॉगिन करने के टाइम फर्स्ट टाइम, सेकेंड जो है मैंने फर्स्ट ऑर्डर पिकअप किया उसके लिए, अब ये थर्ड फिर से मांग रहा है मुझे। अब तीसरी बार भी इसको प्रॉपर सेल्फी देंगे इनको, ताकि इनको पता चले कि काम मैं ही कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई और नहीं कर रहा है। तो ये वो ऑर्डर है जो अभी मैं उठा रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर लेके जाना है रॉयल पम्प, ठीक है। बट इसकी एक खासियत बता रहा हूँ, यहाँ से हमको रिटर्न ऑर्डर मिलेगा नहीं, तो जितना हम जा रहे हैं उतना ऑलमोस्ट हमको एम्प्टी आना भी है, ठीक है। तो फटाफट रख देते हैं इसको अपने बैग में। सेकेंड ऑर्डर पिकअप करके भी दोस्तों निकल गया हूँ अभी मैं रॉयल पम्प की तरफ। रॉयल पम्प में आना मतलब ऑलमोस्ट जो है आपको वहाँ से 3 किलोमीटर तक फिर से एमटी आना पड़ेगा, और हम लोगों को जो है वो ऑर्डर वगैरह वहाँ से मिलते नहीं है, ठीक है। अब रास्ते का भी काम चालू है, रोड का भी काम चालू है यहाँ पे, तो थोड़ा आराम आराम से हम लोगों को निकलना होगा। तो कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अभी ऑर्डर करते करते मुझे हो जाएंगे 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे में होंगे टोटल कंप्लीट 2 ऑर्डर। आज का मेन टारगेट ये है कि 8 घंटे में हम लोगों को 13 ऑर्डर कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी ने इंसेंटिव चलाया है ना फुल डे के हिसाब से, 10 घंटे में आपको 13 ऑर्डर मारना है, ठीक है। उसी को देखने के लिए दोस्तों मैंने बेसिकली लॉगिन किया है, और ऑर्डर कितने आ रहे हैं वीकडे में ये भी तो जानना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि सही में ऑर्डर है या नहीं है, या सिर्फ बोलने की बात है कि ऑर्डर है। मेन मतलब ये है आज का लॉगिन करने का। तो फटाफट जाते हैं अपने लोकेशन पे इसको डिलीवर करने के लिए रॉयल पम्प, और रॉयल पम्प में डिलीवर करके वहाँ से तो हमको निकलना ही पड़ेगा, तो सीधा अभी
डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं दोस्तों। तो ऑलमोस्ट अपने ड्रॉप लोकेशन पे आ चुके हैं दोस्तों इस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। तो ऑर्डर दे दिया है दोस्तों, ऑर्डर डन कर रहे हैं, देखते हैं पेमेंट कितना मिल रहा है हमको। ₹116 है, यानी ₹66 हमको मिला हुआ है। थर्ड ऑर्डर अभी मुझे बज रहा है दोस्तों 1.75, यानी 2 किलोमीटर पिकअप है और 3.5 किलोमीटर ड्रॉप है, यानी 5.5 किलोमीटर टोटल मुझे रनिंग करना है। ₹54 मिल रहा है, एक्सेप्ट कर लिया हूँ। मैंने आपको बताया ही था कि मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर तक जो है एमटी आना ही पड़ेगा। 3 किलोमीटर एमटी आने के बाद में दोस्तों ये ऑर्डर बजा है मुझे, अब जाता हूँ इसको पिकअप करने के लिए। जैसे कि बताया 5.5 किलोमीटर इसका रनिंग होगा और पैसा मिल रहा है मुझे ₹54। जाते हैं फटाफट इसको पिकअप करते हैं और देखते हैं कहाँ का है ऑर्डर और उसको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। और टाइम हो रहा है अभी 1:51 हो रहा है, यानी 2 घंटे में 2 ऑर्डर हुआ है और तीसरा ऑर्डर पिकअप करने जा रहा हूँ, यानी ऑलमोस्ट 2 घंटे में मेरे 2 ऑर्डर हुए हैं और ₹90 के आसपास मेरा काम हुआ है। तो फटाफट जाते हैं इसको पिकअप करने के लिए। अब ये देख सकते हो 21 मिनट जो है वो डिले दिखा रहा है। ऑर्डर एक्सेप्ट मैंने किया था 1:55 या 51 मिनट के आसपास, तो यानी मुझे लोकेशन पे आ गया ऑलमोस्ट जो है 30 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये जो है मुझे बोलते हैं ना हम लोग वेटिंग वगैरह तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बट ये रेस्टोरेंट ऑर्डर भी देने तैयार नहीं है। और ये ऑर्डर भी छोटा ऑर्डर नहीं है, 4 थाली है, 4 दाल खिचड़ी है, तो ये ऑर्डर बड़ा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इसको बनने टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये 21 मिनट्स ऑलरेडी डिले हो चुका है, तो इसका मुझे जो है वो वेटिंग चार्ज भी नहीं मिलेगा। डिलीवर करके मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इसका वेटिंग चार्ज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और ले देखे हो गए अभी तक, यानी 2:30 बजने के लिए आ चुके, तो ऐसा देखा जाए तो 2.5 घंटे हो चुके हैं मुझे लॉग इन करके और 2.5 घंटे में सिर्फ ऑर्डर हुआ है 2। तो यही मैं जानना चाहता हूँ कि ऑर्डर है किधर, जब 2.5 घंटे में 2 ऑर्डर हो रहे हैं, इस ऑर्डर के लिए मैं ये वेट कर रहा हूँ। अब ये रेस्टोरेंट मुझे वेट करवा चुका है, ऑलरेडी 1/2 घंटा डिले हो चुका है, ठीक है। तो ये 1/2 घंटा जो मुझे अभी डिले हो चुका है, इसका तो कंपनी मुझे वेटिंग चार्जेस नहीं देगी, ये तो आप लोगों को पता है कि वेटिंग चार्जेस वगैरह बंद कर दिया गया है। तो अब इसमें किसका प्रॉब्लम है, लॉस किसका है? मेरा लॉस है, मेरे टाइम का लॉस है कि मैं अगर 1/2 घंटा इधर वेट कर रहा हूँ और कंपनी मुझे जो है वो एक्स्ट्रा उसका वेटिंग चार्ज भी नहीं देने वाली है, साथ ही साथ ऑर्डर भी मुझे मारना है 13 ऑर्डर, जब जाके मुझे इसका इंसेंटिव मिलेगा आज के पूरे दिन का, तो 3 घंटे में 3 ऑर्डर होगा मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं और कितना वेट करना पड़ता है और कितने टाइम बाद हमको ये ऑर्डर मिलता है। फाइनली 1:51 पे ऑर्डर लगा था, 34 मिनट जो है वो डिले हो चुका है ऑर्डर को और 2:41 हो रहा है, यानी ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुके हैं मुझे। अब शायद ये ऑर्डर जो है वो रेडी हो जाएगा या 1-2 मिनट में मुझे जो ये पार्सल मिल जाएगा, ठीक है। तो भी लगभग 50 मिनट इंतज़ार करने के बाद अब ये पार्सल मुझे मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप खुद समझो कि 50 मिनट बाद में ये पार्सल अगर मुझे मिलेगा और इसको डिलीवर करने के लिए मेरे 20 मिनट जाएंगे, तो 1 घंटा 10 मिनट में मैंने मारा सिर्फ एक ऑर्डर, यानी 3 बजे तक मेरे होने वाले हैं 3 ऑर्डर, ठीक है। तो ये फटाफट ऑर्डर को जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी पिकअप करने की कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, और उसके बाद में जो है इसको जल्दी से जल्दी ड्रॉप लोकेशन पे जाके डिलीवर करेंगे। फिर आपसे बात करता हूँ दोस्तों कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑर्डर डिलीवर हो रहा है 2:56 को, यानी लगभग 3 बजे के आसपास। अभी दिखाएगा मुझे कि कितना टाइम लगा है इस ऑर्डर को टोटल, ये देख सकते हो 68 मिनट लगे और ₹54 मुझे मिला है। और कितना अभी मैंने टाइम लॉगिन किया है, तो मेरा काम जो हुआ है इसमें 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट हमको माइनस करना पड़ेगा, 145 रुपीज़ का जो काम हुआ है, 3 ऑर्डर मारा है और 3 घंटे के आसपास अभी होने वाले हैं। तो अब मुझे बज रहा है यहाँ पे दोस्तों 3 किलोमीटर का पिकअप, ये देख सकते हो 3 किलोमीटर पिकअप करना है और 1 किलोमीटर के अंदर छोड़ना है। मुझे 32 रुपीज़ इस पर मिलने वाला है इस ऑर्डर पे, और अब बज रहे हैं 9:33, और ये दोस्तों मेरा ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 11। नियम के हिसाब से मुझे इसको कंप्लीट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली शायद 2 ऑर्डर और मारना पड़े। तो पिकअप मुझे दिया हुआ है 3 किलोमीटर का,
और ड्रॉप मुझे देना है 1 किलोमीटर। ये देख लेते हैं पहले ऑर्डर हुआ कितना है। सॉरी, 11 ऑर्डर ऑलरेडी मैंने मारा है, ऑर्डर नंबर 12 है और यहाँ पे मेरा काम हुआ है 553 रुपये का। 7 घंटा 25 मिनट मैंने लॉगिन किया है दोस्तों, क्योंकि मैंने आज जो है 4 गिग्स बुक किया था। अब यहाँ पे मेरे पास बचे हुए ऑलमोस्ट 25 मिनट में मुझे ये ऑर्डर छोड़ के एक और ऑर्डर जो है वो बजना चाहिए, नहीं तो मेरा इंसेंटिव जो है आज का 175 रुपीज़ वो चला जाएगा। 4 गिग्स कंप्लीट हो जाएगा बट इसकी कंडीशन जो है 13 ऑर्डर की वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करने की, उसके बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने का प्रॉपर काम हो रहा है, क्योंकि अभी बस आधा ही घंटा बाकी है। तो वेट कीजिए, इस ऑर्डर को पहले जाता हूँ पिकअप करने के लिए, उसके बाद में देखेंगे हम कि इसको ड्रॉप किधर करना है और कितना टाइम हम लोगों को लगता है इस ऑर्डर को पिकअप करके ड्रॉप करने के लिए। अब ये मुझे बज रहा है मल्टी ऑर्डर, ये देख सकते हो 2 एड्रेस पिकअप जो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, 45 रुपीज़ दे रहा है। 2 ऑर्डर छोड़ना है मुझे, 45 रुपीज़ दे रहा है, तो 2 ऑर्डर छोड़ के दिखाऊंगा इसका 45 रुपये क्यों दिया है मुझे और कैसा काउंट होता है यहाँ पे। तो जो 2 ऑर्डर मैंने ऑलरेडी छोड़ा है मल्टी ऑर्डर 13 और 14, उसका मुझे दिया है 82 रुपीज़ के आसपास, दिखाया था 45 रुपीज़ के आसपास दोस्तों। तो टोटल उस 2 ऑर्डर का जो है पर्टिकुलर मुझे दिया है 82 रुपीज़ के आसपास। अब आज की अर्निंग पे आ जाते हैं दोस्तों कि अर्निंग हुआ कितना है आज के दिन में और लॉगिन कितना किया है मैंने। 4 गिग्स जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने बुक किया था, 4 गिग्स का टोटल लॉगिन आवर बताया 8 घंटे के आसपास। बट मैंने जब ये लास्ट ऑर्डर पिकअप कर रहा था तो काफ़ी टाइम भी हो चुका था और गिग्स कंप्लीट होने के बाद भी ओवर मैंने जो है वो आधा घंटा एक्स्ट्रा जो है उसमें काम किया हुआ है, क्योंकि ऑर्डर वगैरह जो लगे थे मल्टी उसको छोड़ने के लिए। तो आज मैं बात करता हूँ दोस्तों अब मेरे फाइनल अर्निंग की। साइड में आप लोगों को स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, वो देख लेना एक बार, और साइड में हो सके तो एक वीडियो भी डाल दूंगा आज के दिन के जो ऑर्डर है उसका। तो टोटल ऑर्डर जो मैंने मारा है वो 14 मारा है, ट्रिप जो है वो टोटल 13 कंप्लीट किया है और लॉगिन जो किया है मैंने लगभग 8 घंटा 25 मिनट के आसपास, मैंने 20 मिनट के आसपास लॉगिन किया है 4 गिग्स कंप्लीट करने के बाद में। अर्निंग साइड में देखो दोस्तों 667 रुपीज़ मेरा अर्निंग हुआ है, बट उसमें भी मेरा एक्चुअल अर्निंग जो है वो 617 रुपये के आसपास है। 8 घंटा लॉगिन करने के बाद में जो है टोटल अर्निंग हुआ है 617 रुपया। अब इसमें इंसेंटिव वगैरह जो ऐड होगा वो 175 ऐड होगा, अब वो पता नहीं मैं एलिजिबल हुआ या नहीं हुआ, कितना एलिजिबल हो पाया कितना एलिजिबल नहीं हो पाया। बट बेसिक ये बोलने का मतलब है कि सिर्फ अर्निंग अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मेरा 614 रुपये का हुआ है 8 घंटे में। इंसेंटिव अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 700 प्लस अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये में कुछ 10 रुपये कम होंगे, उतना मेरा आज का अर्निंग हुआ है, ठीक है। तो बोलने का मतलब बेसिकली दोस्तों ये है कि 8 घंटा लॉगिन करने के बाद में अगर मेरा 800 रुपये का भी टोटल काम नहीं होता है, वो तो कंपनी ने इंसेंटिव ऐड किया है, अगर इंसेंटिव निकाल दूँ दोस्तों तो 600 रुपये के आसपास जो है वो काम होता है। तो अब मुझे बताइए, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था मैं उनसे पूछता हूँ कि सर ऑर्डर किधर है, आपने उस दिन तो बोल दिया कि ऑर्डर है बट ऑर्डर किधर है। 8 घंटा अगर बंदा काम कर रहा है उसमें भी 14 ऑर्डर मार रहा है तो उसको इंसेंटिव मिल रहा है 175, वो तो बात की बात है। अगर मेरा पैरामीटर्स पूरा नहीं होता तो कोई इंसेंटिव नहीं मिलता। तो बेसिक अर्निंग अगर मैं बात करूँ तो 614 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। तो आप बता दीजिए ऑर्डर किधर है। हाँ, ये बोल सकता हूँ मैं आने वाले टाइम में ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे IPL चालू हो चुका है आज से, तो आने वाले टाइम में जो है वो ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, वो एग्री करता हूँ। बट आप प्रेजेंट हालात की बात कीजिए कि ऑर्डर किधर है। कंपनी ने जो है वो काफ़ी सारे ऑर्डर अदर कंपनी को दिए रखे, वो जो है वो मार रहा है। अदर कंपनी का अगर कंपेयर करूँ तो उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ों को अपडेट कर दिया है, जिसकी वजह से उनके पास ऑर्डर, मैं पता मुझे भी पता है कि फूड में ऑर्डर नहीं है, कम है, बट उन्होंने ग्रोसरी वगैरह से जो है अपने ऑर्डर को एडजस्ट किया है और अपने बंदों को एटलीस्ट इतना ऑर्डर दे रहे हैं कि उनका जो है डेली अर्निंग हो जा रहा है, ठीक है। 600 रुपया और 8 घंटा काम करने के बाद में 600 रुपीज़ का अर्निंग हुआ है, ठीक है। इसमें अगर मैं अपना पेट्रोल का एक्सपेंस निकालूँ तो आप लोग ये पकड़ लो कि अप्रॉक्सीमेटली 170-180 रुपये का मेरा पेट्रोल गया है। तो 180 रुपये भी अगर इसमें से माइनस करूँ तो 600 रुपये में से, या 620 रुपये पकड़ता हूँ मैं, तो कैलकुलेट कर दो मुझे बच रहा क्या है घर में 420-430 रुपया। 8 घंटा अपनी गाड़ी चला के धूप में अगर 400 रुपये का अर्निंग कर रहा हूँ मैं, तो उसका क्या मैं बचाऊँगा और क्या मैं लेके जाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताना। आप भी अगर Zomato में काम करते हो तो आपका डेली अर्निंग कितना हो रहा है ये मुझे ज़रूर बताना।
आने वाला वीडियो जो है वो बोर्जो से कंपेयर करेंगे, 8 घंटा 7 घंटा जो भी है वो बोर्जो में काम करने की कोशिश करेंगे, और उसको हम लोग देखेंगे कंपेयर करके इसकी अर्निंग से कि हमारा अर्निंग हो कितना रहा है उसमें। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाला ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिल सके।